उसमें लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, परंतु जो विजुअली सामने से उसकी जो साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स हैं वो जो दिखाई पड़ते हैं, इन तीन से बढ़ करके कोई नहीं है। एक कच्चा पक्ष, दूसरा मैदान और तीसरा स्टेज या मंच। आज का दिन स्वामी विवेकानंद जिनका चित्र हम देख रहे हैं, यह युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। आप ये समझिए कि 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और इतने कम समय में। लोग कहते हैं कि मुझे लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक जिंदा रहना है, लेकिन 39 की उम्र में ये हम सबके बीच से चले गए। और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, विश्व के लिए एक हस्ती के रूप में इनको पूरे वर्ल्ड में अमर किया जाता है। इनके एटीट्यूड आज हम जानते हैं कि योग जो है वह पतंजलि के द्वारा जाना गया, स्वामी रामदेव आज की डेट पर है, लेकिन इतने वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में स्वामी जी की कोई भी तस्वीर आप देखेंगे तो वो प्राय योग की दशा में ही होगी। उनका ये कहना था कि जो मेडिटेशन होता है, स्वयं का मूल्यांकन करना, बैठ करके चिंतन करना, उससे बड़ा अध्ययन का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ऐसी कहानी भी आती है कि एक बार स्वामी जी को एक पुस्तक दी गई, उन्होंने उसको जहाज में यात्रा कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसके प्रत्येक पेज को स्टडी करते जाते थे, और उसके जो पेज को वहां से रिमूव करके समुद्र में सी में फेंकते जाते थे, और चलते 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 सामने वाले को भी लगा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस पुस्तक का काम खत्म है, अर्थात उनकी पुस्तक खत्म हुई, स्टडी पूरी हुई। उन्होंने कहा इस पुस्तक को रखने की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं स्वामी जी, आपने तो पुस्तक को समुद्र में फेंक दिया, उसके प्रत्येक पन्ने को फाड़ करके, क्या आपको पूरी पुस्तक याद हो गई? उन्होंने कहा कि आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरी बुक है, आप उससे स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं, तुम उसको वहां मिलान कर सकते हो। तो इतनी स्ट्रांग मेमोरी जो थी वह स्वामी जी की थी। स्ट्रांग मेमोरी कब आती है? वह योग के द्वारा ही आती है। स्वामी विवेकानंद प्रारंभिक दौर पर जो उनका स्टार्टिंग पीरियड था उस समय वह भी कंफ्यूज थे कि क्या गॉड है, गॉड है क्या इस नेचर में, ईश्वर इस धरती पर है क्या। इसके लिए उन्होंने अपने आप को एक प्रत्येक स्तर पर लोगों के बीच में कांटेक्ट किया, गए जो भी मठ मंदिर होते हैं उनके जो अधिकारी हैं, उनके पुजारी हैं, उनसे मिलते रहे। उनके अंदर से जो बहुत अधिक जिज्ञासा थी कि क्या मुझे ईश्वर गॉड मिल सकता है, एक तरह से शुरुआती दौर पर यह माना जाता है कि स्वामी जी नास्तिक थे। रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे पहला प्रश्न पूछा कि क्या आप मुझे ईश्वर से मिलवा सकते हो। रामकृष्ण परमहंस के सामने भी दुविधा खड़ी हुई कि ऐसा एक नवयुवक आया है और सीधे कहता है कि आप मुझे ईश्वर से मिला सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, बिना किसी रोक के उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया हाँ। स्वामी विवेकानंद जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कैसे, व्हाई। कहते हैं कि अपने अंतर मन से, अपने मन की गहराइयों में जब हम बैठेंगे, चिंतन करेंगे, हमको ईश्वर मिलेगा। उसके लिए हमको अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ईश्वर के लिए बाहर ढूंढेंगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। विज्ञान भी, तर्क करने वाले भी, और सामान्य जन, जनरल जो पब्लिक है वो भी ईश्वर को बाहर ढूंढती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से जो कहा कि आप अपने अंदर ढूंढिए ईश्वर, और अंदर ईश्वर कैसे ढूंढा जा सकता है, तो वह योग के बारे में ढूंढा जा सकता है। आज भी बुद्धिस्ट में मॉन्क्स होते हैं, वो पहाड़ों पर जाते हैं, वहां अपना उनका चिंतन रहता है, अपने आप अध्यात्म में लीन रहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी
उसी परंपरा के सन्यासी थे। स्वामी जी समाज में फैले हुए गरीबी जो पुअर, क्योंकि